ओके बॉस, तो दिस इज द थिंग जिसके लिए मैं डेस्परेटली वेट कर रहा था। सो ये है मेरी कावासाकी का। ये देखो भाई, BMW वाले भी रॉन्ग साइड से आते हैं। हेलो यू वंडरफुल पीपल, कैसे हो सारे? आप सब बढ़िया हो, बिंदास हो? तो भाई साहब भी मैं हूँ अमृतसर में, और आज के दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। अच्छी कैसे हुई है? क्योंकि कल रात को मुझे कॉल आया कमल भाई का, तो पता चला कि वो भी अमृतसर में है। तो फिर भी हमने डिसाइड किया कि सुबह मिलते हैं, क्योंकि मैंने भी घर को निकलना था और उन्होंने भी घर को निकलना था। सोचा एक साथ इकट्ठे निकलते हैं, एंड वी डिसाइडेड टू मीट एट गोल्डन गेट ऑफ अमृतसर। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, और देखते हैं अगर वो पहुँच गए होंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ वेट करना पड़ेगा उनका वहाँ पे। देन निकलते हैं फिर घर को वापस जम्मू की ओर। मौसम बहुत सही हो रखा है, अगर ऐसा रहेगा तो बॉस राइड करने में मज़ा आने वाला है। अगर धूप हुई फिर तो फटने वाली है, पर आई होप यार मौसम बिल्कुल ऐसा ही रहे, सुहाना सुहाना मज़ेदार। पता जब नया नया ये सिस्टम बना था ना, ये बस वाला, तो मैं सोचता था कि यार पता नहीं क्या सिस्टम है ये, शायद VIP लेन है या क्या जो भी है। पर एक्चुअल में इसमें ये एक काइंड ऑफ मेट्रो सिस्टम है अमृतसर का। इसमें बसेस चलती हैं, और मतलब जैसे दिल्ली में मेट्रो है ऐसे अमृतसर की ये बस सिस्टम है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। पर ये देखो कुछ लोग इसी में गाड़ी घुसा देते हैं। भाई साहब जनता जो है, जनता जनार्दन होती है, जनता को रोकने टोकने वाला कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ। लिटरली अमृतसर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है भाई, एज़ कम्पेयर टू जम्मू। भाई जम्मू का ट्रैफिक कुछ भी नहीं है, अमृतसर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लोग ना मतलब बिना शीशों के चलते हैं, बिना रियर व्यू मिरर्स और बिना रूल्स एंड रेगुलेशन कहीं भी गाड़ी घुसा देते हैं, बिना देखे सुने कुछ भी ऐसे ही। तो थोड़ा थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है भाई इनसे। हम ठहरे जम्मू के शरीफ नागरिक, इनको थोड़ी कोई रोक टोक सकता है भाई। और बॉस ये पहुंच चुके हैं हम गोल्डन गेट, और देखते हैं कहां पे रुके हैं भाई साहब अपने। ओ ये रहे, देखो बॉस राइडर अपने सबसे अलग यूनिक रहते हैं, ये देखा। हाय हाय, क्या हाल चाल है भाई के? हाय हाय, व्लॉगिंग व्लॉगिंग क्या बात है। और भाई ठीक हो? और ये रहे अपने भाई कमल भाई, तो अभी मिलके निकलते हैं। आप कब आए थे? रात को आए थे? मैं 2-3 दिन हो गए आए हुए यहाँ पे। लुक गाइस, यार हिमालयन बहुत बड़ी लगती है यार पैनियर्स के साथ में, देख रहे हो? लैस होके पूरी एकदम चिल वाइब्स ले रहे हैं बॉस। ये सीधा रोड जो है आगे चल जाएगा साडा पिंड एंड बाका बॉर्डर साइड, और अपने को लेना है यहाँ से रिंग रोड। बॉस मैं जब भी यहाँ पे कावासाकी लेके आता हूँ ना, इतनी तगड़ी वाली कॉर्नरिंग होती है ना यार। और ये हमने पकड़ लिया है जम्मू पठानकोट वाला हाईवे। तो भाई अगर ऐसा मौसम रहेगा ना यार, कसम से इतना मज़ा आने वाला है। और साथ में ना हम मतलब 2-3 घंटे में हम अपने घर पे होंगे आराम से। बाय द वे यहाँ से जम्मू का डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर के अराउंड होगा समवेयर। भाई हिमालयन कितनी मस्त लग रही है ना यार, एकदम लोडेड लोडेड बाइक चलाने का एक अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि बाइक का सस्पेंशन जो इतने अच्छे से वर्क करता है ना बॉस, वो खाली पे बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और अब मैं ना आराम से, सच्ची बोल रहा हूँ, आराम से मज़े लेने वाला हूँ अपने इंटरकॉम पे म्यूज़िक सिस्टम चला के, और तगड़े तगड़ा म्यूज़िक सुन के चिल वाइब्स लेंगे ब्रो, चिल वाइब्स ज़रूरी है। ओके बॉस, तो यहाँ पे रुक लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, और साथ में भाइयों का भी वेट कर लेते हैं। मैं काफ़ी आगे निकल आया हूँ, एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, ओ माय गॉड यार कितनी सुंदर लग रही है ना। मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है अपने डिसीजन का कि हमने इसको चूज़ करा भाई, लिटरली बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रही है, बहुत तगड़ा। अगर मैं अपनी कावासाकी पे आता तो मुझे ना काफ़ी बीच में एक दो हॉर्स लेना पड़ जाता, क्योंकि बम का पकौड़ा बन जाता है, पर इस पर ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ अपने को। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल राइड है। अभी वेट कर लेते हैं पीछे अपने भाई लोगों का, देन यहाँ पे कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं,
हाय हाय, क्या बात है यार, ये मज़े ले रहे हैं पूरे स्पीकर के हैं। अच्छा क्या करें, ब्रेकफास्ट वगैरह खुला ही होगा? आगे चले। ओके स्ट्रेप्सिल खा लेता हूँ एक। ओके तो अपने भाई लोग आके निकल गए, तो चलते हैं अभी। तो चलो और ऊपर से मौसम ने भी आज चार चांद लगा रखे हैं। सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग सा लग रहा है। एक अंदर से ना एक बहुत खुशी वाली वाइब्स आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली। अभी इंटरकॉम से म्यूज़िक करते हैं कनेक्ट एंड थोड़ा सा धमाल मचाते हैं, आराम से जाते हैं, घर जाते हैं। भाई मौसम देख रहे हो, मौसम को देखे ना, टाइम ऐसे लग रहा है जैसे अभी टाइम हो रहा है 2:11 पर। ऐसे लग रहा है जैसे शाम के 6-7 बज रहे हैं और अंधेरा एकदम होने को है। अभी थोड़ी देर पहले तो एकदम ऐसे काली घटा छाई हुई थी, पर अभी फिर थोड़ा कम है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है, पर मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी अच्छे से बारिश हो जाए तो क्या ही बात है। तो वैसे भी अपने पास पूरा इंतज़ाम है, सारे के सारे लाइनर है, रेन लाइनर, तो बस हो जाए बारिश तो मज़ा आ जाए। बॉस अभी अच्छी खासी बारिश पड़ना स्टार्ट हो चुकी है, तो गोप्रो को रखते हैं अंदर और फिर सीधा मिलते हैं घर पे। ओके बॉस, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, और जब मैंने कैमरा बंद किया था उसके बाद से अच्छी खासी बारिश हुई थी, तो उसके बाद से सीधा कंटिन्यू नॉन स्टॉप मैं आ गया था अपने घर पे। लकीली मेरे पास सब कुछ था, रेन लाइनर, जैकेट, सब कुछ था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी मैं आ चुका हूँ घर पे। ओ एक मिनट, ऊपर से कुछ आ रहा है उड़ता हुआ यार। ओ मैन, ये ओके बॉस, तो दिस इज द थिंग जिसके लिए मैं डेस्परेटली वेट कर रहा था। ये है मेरी कावासाकी का आगे वाला टायर, मतलब कोहिनूर का फ्रंट टायर। तो इस अभी इसके बाद इसको उस पर लगाएंगे, फिर बाइक चलाएंगे, जुप जुप करके धूम मचाएंगे। इट्स मिशेलिन का रोड पायलट, एंड जो मार्केट प्राइस है इसकी ऑलमोस्ट 15,000 समथिंग के अराउंड है, और बट आई गॉट अ वेरी ह्यूज डिस्काउंट। बस इसको कल जाके फिक्स कराते हैं, क्योंकि ये देखो मेरी कोहिनूर का अगला टायर की क्या हालत हो रखी है, एकदम फ्लैट हो चुका है ये। तो अभी डलाएंगे इसको एकदम मज़े मज़ेदार, देन फिर से एक लॉन्ग राइड प्लान करते हैं, क्योंकि ये आजकल राइड का ना मूड बड़ी जल्दी बन रहा है। तो आज का वीडियो रखते हैं इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो यार डोंट फॉरगेट टू लाइक, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। विद दैट सेड गाइस, थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सी यू सून इन अवर नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो, अपनों के पास रहो। तो बाय-बाय।